हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटोरोला एज 30 फ्यूजन एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मोनो ऑडियो सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये मोनो ऑडियो सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी पर सेलेक्ट करना है। अब आपको एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में नीचे की साइड में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मोनो ऑडियो के ठीक सामने एक बटन दे रखा है, इस बटन को सिलेक्ट करना है तो ये बटन जो है ऑन हो जाएगा ब्लू कलर में, तो आपकी ये सेटिंग जो है इनेबल हो जाती है, ठीक है। अब ये मोनो ऑडियो सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑडियो बैलेंस आप देख रहे हैं नीचे की साइड में, ऑडियो बैलेंस ये मोनो ऑडियो का ही पार्ट है, यानी इसी का हिस्सा है ये ऑडियो बैलेंस, ठीक है। और ऑडियो बैलेंस के नीचे आप लेफ्ट और राइट देखिए, इसका ध्यान रखिएगा लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। तो ये देखिए मेरे पास जो है ये एयरफोन्स हैं, ठीक है, ये एयरफोन्स है, इस पर देखिए एल और आर लिखा हुआ है, एयरफोन पे आप देख सकते हैं एल और आर लिखा हुआ है। तो ये हमारे एयरफोन का लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है, एयरफोन में भी लेफ्ट और राइट होते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एयरफोन है, चाहे वो ब्लूटूथ वाले एयरफोन है, चाहे वो वायर वाले एयरफोन है, ठीक है, कोई से भी एयरफोन है, ये सभी में काम करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मोनो ऑडियो से क्या कर सकते हैं आप, ये जो मोनो ऑडियो के नीचे ऑडियो बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है, इससे आप जो अपने ईयरफोन्स की ऑडियो को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये पॉइंटर दे रखा है इसको उंगली से दबाना है और इसे लेफ्ट पे करना है, तो इससे होगा क्या कि आपका जो एल वाला ईयरफोन होगा, यानी लेफ्ट वाला ईयरफोन होगा एल वाला, उसमें आपको ऑडियो तो सुनाई देगा, ठीक है, ऑडियो सुनाई देगा उसमें आपको, ठीक है, लेकिन जो आपका आर वाला ईयरफोन होगा ना उसमें आपको ऑडियो सुनाई देगा लेकिन कम सुनाई देगा, बहुत ही कम, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंटर को अगर आप राइट में कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, तो होगा क्या इसका अपोजिट हो जाएगा, जो आर वाला ईयरफोन होगा उसमें आपको ऑडियो सुनाई देगा और जो एल वाला ईयरफोन होगा, ठीक है, उसे आप उसमें आपको आवाज कम सुनाई देगा, बहुत ही कम, ठीक है। तो इसे अगर आप पॉइंटर को आप बीच में कर देते हैं इस तरीके से, तो आपके दोनों ईयरफोन्स में आपको ऑडियो बैलेंस बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऑडियो बराबर सुनाई देगी। और इसे आप पॉइंटर को बीच में कहीं पर भी आप रख सकते हैं, इतनी दूरी पर भी कहीं पर भी आप रख सकते हैं जहां आपको ऑडियो सुटेबल लगे, ठीक है। तो यहां पर जो है हम होता क्या है, इस मोनो ऑडियो के जरिए हम जो है अपने एयरफोन्स की जो है ऑडियो को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे कभी भी जो है बार बार आप इसे चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, कभी भी चेंज कर सकते हैं जब भी आपने कनेक्ट कर रखा होगा तो, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में।